हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग जिसमें मैं आपको कुकिंग के लिए दिखा रही हूँ कटहल के बीज की सब्जी कैसे बनाई जाती है। गाइस, तो चलिए देखते हैं कि कटहल के बीज की सब्जी कैसे बनाई जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर ये मैंने ले लिए हैं कटहल के बीज, टमाटर, प्याज, मसाले, हींग। तो चलिए बनाते हैं। कढ़ाई ले लिए, कढ़ाई में मैंने एक सरसों का तेल डाला और उसके बाद आपके पास जो भी कुकिंग ऑयल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। देन मैंने इसमें ऐड कर दिया है जीरा, देन मैंने इसमें ऐड करी हींग, एंड देन मैं इसमें ऐड करूँगी अनियन। अनियन को ब्राउन होने तक मैं पकाऊँगी। अनियन जब ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो। तो यहाँ पर मेरे अनियन होने वाले हैं थोड़े से ब्राउन, देखिए इनका कलर चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पर मेरे अनियन हो गए हैं ब्राउन। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटो एंड ग्रीन चिलीज़। आप इसमें जिंजर गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, हम लोग खाते नहीं तो इसलिए ऐड नहीं किया। देन मैं इसमें ऐड किया नमक, हल्दी, गरम मसाला, रेड चिलीज़, हरा धनिया, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। तो मैं इसे चलाऊँगी एंड जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो मैं इसमें वो बीज हैं जो कटहल के वो ऐड कर दूंगी। तो मैंने इसमें ऐट द एंड कटहल के सीड्स ऐड कर दिए। मैंने ये बॉईल करके रखे हुए थे, आप भी बॉईल कर लीजिएगा। तो मैंने ये बॉईल कर लिया है और इसमें मैंने दो ग्लास पानी डाल दिया ताकि अच्छे से पक जाए। तो मैंने इसे दो ग्लास पानी डालने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए पका लिया क्योंकि ऑलरेडी ही बॉइल्ड है और पके हुए हैं। आप इन्हें बीच में से भी काट सकते हैं, मैंने नहीं काटे हैं। तो बस 5 मिनट के लिए इसे ढककर पकाइए और आपकी सब्जी है रेडी।